सर मेरा सपना है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूं, इसके लिए अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग मुझे करना है, और आप क्या कीजिए मेरे को अच्छे अच्छे वेल परफॉर्मिंग SIP बताइए म्यूचुअल फंड के, अच्छा SIP करके मैं मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करना चाहूंगा। मैंने कहा ठीक है संजीव जी, हम लोग एक काम करते हैं, पहले अपना टोटल ओवरऑल रिव्यू लेते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर यू आर एडिक्वेटली इंश्योर्ड। अरे नहीं नहीं सर, मेरे पास LIC का बहुत पॉलिसी है, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस का प्राइवेट का भी पॉलिसी है, बहुत सारा पॉलिसी है, आई एम एडिक्वेटली इंश्योर्ड। मैंने पूछा दोस्त कितना है आपका इंश्योरेंस, बोलता है मैं साल का 1-1.5 लाख रुपए लगभग प्रीमियम भरता हूँ। पहले वाला वो प्रीमियम नहीं पूछा मेरे दोस्त, मैंने पूछा आपका टोटल इंश्योरेंस कितना है, इज इट एज पर ह्यूमन लाइफ वैल्यू साइंटिफिकली कैलकुलेटेड आपका लाइफ इंश्योरेंस है क्या। संजीव कुमार मेरे पास क्वेश्चनिंग से देखने लगे कि सर ये क्या पूछ रहे। तो मैंने उनको बताया दोस्त ये देखो कि लाइफ इंश्योरेंस को हमको लेना है ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से, विच इज द साइंटिफिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट इज ह्यूमन लाइफ कवर। इज ह्यूमन लाइफ कवर इज ए नंबर दैट टेल्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम एक्सपेंसेस लायबिलिटीज एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने कैलकुलेट किया है क्या। तो दोस्तों आइए देखते हैं, मेरा नाम है श्रीनिवास गड़ियार, मैं आपको अभी एक्चुअल यहाँ एक एक्सेल का फाइल खोलने वाला हूँ जो मैंने संजीव कुमार जी के साथ बात करके उनके पास से फिगर लिए थे, वो फिगर्स पंच करने के बाद उनका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले उनका प्रेजेंट एज है 35 ईयर्स और उनका रिटायरमेंट एज इन द करंट जॉब इज 58 ईयर्स, मतलब उनके पास अभी 23 साल और सर्विस के बाकी है। इसके बाद मैंने लिया उनका करंट इनकम आफ्टर टैक्स विच इज 12 लाख रुपीज़, मैंने कहा 1 लाख कमाते हैं 12 लाख का इनकम है। उसके बाद उनका ईयरली पर्सनल एक्सपेंसेस कितना है, पर्सनल मतलब अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे ऐसा मानते हैं तो फिर रेस्ट ऑफ फैमिली तो चलेगी, तो एक एक्सपेंस रहता है अपना खुद का रहता है, खुद के ऊपर आप महीने का कितना खर्चा करते हो। तो उन्होंने बोला मैं महीने का मेरे ऊपर खुद के ऊपर 10,000 खर्चा करता हूँ, तो साल का हो गया 1,20,000। ये निकलने के बाद ये हो गया कि 12 लाख कमाते हैं जिसमें से 1,20,000 खुद के ऊपर खर्चा करते हैं, तो फैमिली के लिए बचा 10,80,000। फिर मैंने उनको पूछा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट रेट ऑन FD, पोस्ट ऑफिस, डेब्ट, बॉन्ड एक्सेट्रा। तो उन्होंने बताया 7%। लेकिन सर इतना लो क्यों आप पकड़ रहे हो, आप दूसरा कुछ क्यों नहीं पकड़ते हाई इक्विटी वाला 12%, 15%, 18%। मैं बोले इसलिए कि हम लोग ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि आप दुनिया में नहीं रहे तो फैमिली थोड़ी इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाली है, वो तो सिक्योर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगी। इसके लिए सिक्योर प्रोडक्ट का आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 7%। फिर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कितना है, रेगुलरली वो इकोनॉमिक पेपर पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया 6% लगभग सर इन्फ्लेशन को पकड़ लीजिए, ठीक है। फिर आपके करंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या है, लोन्स या पुराने कुछ डेट पर्सनल होंगे, तो अदर देन हाउसिंग, क्योंकि हाउसिंग के लिए एक अलग से पॉलिसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऑलरेडी आपसे लेती है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास दूसरे कुछ 5 लाख के लोन है। अच्छा सोशल लायबिलिटी कितनी है, सोशल लायबिलिटी मतलब बच्चे का एजुकेशन और उसका मैरिज, अगर आज करना है तो आपको कितना खर्चा आएगा, तो वो बोले एक ही बच्चा है उसके लिए मेरे को लगभग 20 लाख रुपये तो लगेंगे मेरे हिसाब से। बोला ठीक है, तो अभी आपका करंट ह्यूमन लाइफ वैल्यू हो गया 2,47,89,657। अभी इसमें से हम निकालते हैं कि व्हाट इज द फैमिली सपोर्ट फंड, आपके पास अभी लिक्विड एसेट मतलब बैंक में कितना है, PF में कितना है, PPF में कितना है, FD में कितना है, सेविंग में कितना है, फ्लैट छोड़ के सब लिक्विड फंड जो कल के कल बैंक में होगा ये कितना है, तो बोले 6 लाख रुपया है। फिर एग्जिस्टिंग टोटल लाइफ इंश्योरेंस कितना है, अब उनके ध्यान में आया कि उनके पास कुछ अलग टाइप की पॉलिसीज थी, इनका टोटल लेके आ रहा था 10 लाख, मतलब 16 लाख प्रोवाइडेड है, तो 2,47,00,000 में से 16 लाख गए, तो फाइनल उनका वैल्यू आ गया 2,31,89,657, राउंड अबाउट 2.25 करोड़। ये हो गई उनकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के संजीव कुमार को अगर प्रॉपर ह्यूमन लाइफ वैल्यू से लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो हमको कम से कम 2.25 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।